बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने सबक नात के सवाल नंबर 4 के हमने पहले 3 सवाल किए थे, ठीक है ना। सवाल नंबर 4 के सफ़ा नंबर 11, सवाल नंबर 4 इसके हमने पहले 3 सवाल किए थे, ठीक है। देखें दिए हुए सवाल नंबर 4 क्या है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो बेटा सबक हमारा क्या है, नाप डेट 5 जून 2021 जमात का काम हफ्ता। सबक का नाम क्या है हमारा, नाप। हमारा अनुमान क्या है, सवाल जवाब, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 का जो द है पार्ट, यानी 4 पार्ट जो है वो हमारा कल रहता था, तो आज हम 4 पार्ट से स्टार्ट करेंगे और सवाल नंबर 4 करेंगे। उसके बाद हम सफ़ा नंबर 12 का सवाल नंबर 6 में जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके सवाल हम नोट राइट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपने ये सवाल जवाब जो हैं ये नोटबुक पर अच्छी और नीट राइटिंग में आप लोगों ने राइट करनी है, ठीक है। अब दोबारा से एक दफ़ा मैं दुबानी आपको पहले सवालों के जवाब बता देती हूँ, उसके बाद हम सवाल नंबर 4 का पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे। देखें अरिफ क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अरब के हालात कैसे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल लोग हर तरह की बुराइयों में मुबतला थे, ठीक है। उसके बाद था हमारा सवाल नंबर 2 यानी पार्ट 2, लोगों की जिंदगी में तब्दीली कैसे आई, ठीक है। तो बेटा लोगों आप सल्लम की तालीमात से लोगों की जिंदगी में तब्दीली आई। उसके बाद था हमारा सवाल नंबर 3 यानी सवाल नंबर 4 का पार्ट जी द पार्ट 3 हुआ, जिन पे नाजिल खुदा का कलाम से क्या मुराद है। यहाँ खुदा का कलाम से क्या मुराद है, कुरान पाक है। खुदा के कलाम से मुराद कुरान पाक है। आगे देखिए हमारा द पार्ट जहाँ से हमने आज काम स्टार्ट करना है, सब नबियों में किस नबी का मुकाम बुलंद है और क्यों। हाँ जी, तो बेटा इसका देखिए कि सब नबियों में किस नबी का मुकाम सबसे बुलंद है। तो बेटा किस नबी का मुकाम सबसे बुलंद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है। तमाम नबियों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सबसे बुलंद है और क्यों, क्यों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी किताब लाए। हाँ जी, देखिए अब इसका हमने सवाल लिखना है, सवाल नंबर 4 का द, सात नबियों में किस नबी का मुकाम बुलंद है और क्यों। आखिर में सवालिया निशान, ठीक है, और सवाल की तरफ को इसका फेस करते हैं ना दोनों में सवालिया निशान, ठीक है। सात नबियों में किस का मुकाम, किस नबी का मुकाम बुलंद है और क्यों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सब नबियों से बुलंद है। हाँ जी, देखिए आगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
मुकाम सब नबियों से बुलंद है, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सात नबियों से बुलंद है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी किताब लाए, ठीक है। इसके आगे से ही हम इसका सल्लम है के बाद इसके आगे से ही हम इसका आंसर शुरू करेंगे जो बाकी हमारा। हाँ जी बेटा, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सात नबियों से बुलंद है। उन्होंने पूछा और क्यों, ठीक है, और क्यों, क्यों के आगे देखिए इसी के आगे हम लिखेंगे क्यों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की आखिरी किताब लाए। दोबारा से सुने, सात नबियों में किस नबी का मुकाम बुलंद है और क्यों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम सात नबियों से बुलंद है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आला की आखिरी किताब लाए, यानी कि कुरान पाक नाज़िल हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा सवाल नंबर चार का, जो कल का हमारा एक क्वेश्चन रहता था, ठीक है। सवाल नंबर चार का हमारा एक क्वेश्चन कल का रहता था, वो हमारा आज कंप्लीट हो गया है। अब हमने देखिए क्या करना है, अब हमारे सवाल नंबर 12 पर सवाल नंबर 6 है, ये सवाल नंबर 6 इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। अब देखिए दिए हुए पैराग्राफ में 10 ज़ैल वाक़या गौर से सुने और पूछे गए सवाल के ज़बानी जवाब दें। तो बेटा जी आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने ऊपर सवाल नंबर 6 लिखकर उसका पार्ट 1, ठीक है, लिखकर फिर आपने आगे इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपने लिखने हैं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुजर रहे थे, एक नबीना औरत भी उसी गली में से गुजर रही थी, अचानक उस औरत को ठोकर लगी और वो गिर गई, दूसरे लोग ये देखकर हंसने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की मदद की और उसके और उसे उसके घर पहुंचा दिया। तो बेटा इस पैराग्राफ में से देखिए हमने क्या कुछ सीखा है। तो बेटा आपा मैंने जो नीचे सवाल हैं इसी पैराग्राफ में से आपने इसको गौर से समझ कर इसी के मुताबिक आपने सवालों के जवाब देने हैं। देखिए हमारा सवाल नंबर 1 है, नबीना औरत कैसे गिर गई थी। हाँ जी, तो नबीना औरत बेटा हमने पढ़ा है अचानक उस औरत को ठोकर लगी और वो गिर गई, तो नबीना औरत कैसे गिरी, नबीना औरत ठोकर लगने से गिर गई थी। अब देखिए हम सवाल इस रहे हैं, हमारा सवाल नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सफा नंबर 12 पर जो है उसका सवाल नंबर 1, नबीना औरत कैसे गिर गई थी, नबीना औरत बेटा कैसे, ने आपने शोशे पूरे इसके काउंट करके बनाने हैं, ठीक है। देखिए एक शोशा आएगा
के तीन सूची हैं कि नबीना औरत कैसे गिर गई थी, आखिर में सवाल निशान, नबीना औरत कैसे गिर गई थी। हाँ जी, तो बेटा क्या आंसर है इसमें? हमने पहले लाइन में क्या पढ़ा है कि नबीना औरत क्यों कैसे गिरी थी, नबीना औरत ठोकर लगने से गिर गई थी। अभी हम इसका आंसर लिखेंगे, नबीना औरत, नबीना औरत ठोकर, जब ट की चिश्ते बनेगी तो ये ठ बन जाएगा, ठ ओ ठ ओ ठो कर कर, नबीना औरत ठोकर लगने से गिर गई थी। हाँ जी बेटा देखें, नबीना औरत कैसे गिर गई थी, नबीना औरत ठोकर लगने से गिर गई थी, नबीना औरत कैसे गिर गई थी। हाँ जी बेटा देखें, हमारा सवाल नंबर एक क्या था, नबीना औरत कैसे गिर गई थी, तो इसका जवाब क्या है, नबीना औरत ठोकर लगने से गिर गई थी। अब हमें सवाल नंबर छः का पार्ट जो है वो टू, यानी सवाल नंबर दो, वो हमने करना है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे। बेटा आपने ये पहला जवाब पढ़ा है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू क्यों आए थे, क्योंकि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे, ठीक है ना, जब वो औरत गिरी है तो उसको तकलीफ पहुंची है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत को गिरने से, जब गिरी है तो दूसरे लोग जो थे वो हंसने लगे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में उस औरत को तकलीफ में देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अब सवाल नंबर दो देखें, नबी करीम, बेटा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप लोगों ने पूरा लिखना है, ठीक है, इसके ऊपर स्वाद नहीं डालना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में औरत को तकलीफ में देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, ठीक है।
आखिर में हमारा फुल स्टॉप। बूढ़े औरत को तकलीफ में देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? बूढ़ी औरत को तकलीफ में देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आगे देखिए हमारा सवाल नंबर 6 का पार्ट 3। सवाल नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना औरत के साथ कैसा सलूक किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना औरत के साथ कैसा सलूक किया? तो आपने इसके पैराग्राफ में पढ़ा है बेटा, क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की मदद की और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। तो बेटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सलूक किया उस औरत के साथ? कि उसकी मदद की और उसे उसके घर तक घर पहुंचा दिया। ठीक है बेटा, आगे ऊपर भी हमने पढ़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते। ठीक है, तो अब देखिए हमारा सवाल नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। नाबीना औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, सवाल क्या है हमारा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाबीना औरत के साथ कैसा सलूक किया? कैसा सलूक किया? आगे सवाल का निशान। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना औरत के साथ कैसा सलूक किया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की मदद की और उसे उसके घर पहुंचा दिया। अब हमारा इसका आंसर देखें, जवाब क्या है हमारा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत की मदद की। ठीक है, नबीना औरत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की मदद की और उसे घर
पहुंचा दिया। सवाल नंबर 3। नबी देव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीना औरत के साथ कैसा सलूक किया, इसका जवाब देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की मदद की और उसे उसके घर पहुंचा दिया, ठीक है, और उसे उसके घर पहुंचा दिया। ये हमारे क्या सवाल नंबर 6 के, ठीक है, सवाल नंबर 6 के 3 क्वेश्चन थे जो सफा नंबर 12 पर थे। पैराग्राफ की आपने देने, पैराग्राफ में से ढूंढकर इनके आंसर देने थे। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया है। तो बेटा आज हमारा सबक नाक भी मुकम्मल हो गया है। तो आज आपने इसके ये सवाल जवाब जो है, एक सवाल है सवाल नंबर 4 का भी रहता था कल वाला दो पार्ट, ठीक है, वो आपने नोट बुक पे राइट करना है, नीट नोट बुक पे राइट करना है। उसके बाद बेटा हमारा है सवाल नंबर 6, ठीक है, सफा नंबर 12 पर है ये। तो इसके 3 सवाल हैं, तो आपने ये तीनों सवाल जो हैं ये नोट बुक पे अच्छी और नीट राइटिंग में राइट करने हैं, और राइट करने के बाद आपने इनको याद भी करना है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा सबक नात आज कम्प्लीट हो चुका है। तो आपने इनको अच्छी राइटिंग में राइट करना है, और आपने इसको इनको सवालात को याद भी करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने इनको याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।